वेलकम टू एडवांस कंप्यूटिंग। आई एम सीमा दुबे। आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसकी गोल्स के बारे में बताना चाह रही हूँ कि इसका गोल्स क्या है। ठीक है, तो उसके दो गोल्स हैं, एक है आपका प्राइमरी और एक है आपका सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी जो उसका जो गोल है वो किस पर डिपेंड करता है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो सेकेंडरी गोल है वो किस पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड है, एफिशिएंसी। तो ये है आपका कन्वीनियंस। ठीक है, कभी कभी किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो क्या है, कन्वीनियंस, इजी टू यूज, ईज ऑफ यूज। और ये है आपका सेकेंडरी गोल, एफिशिएंसी के बेस पर। ठीक है, मतलब किस प्रकार से उसकी कार्य करने की क्षमता है, किस प्रकार से वो प्रोसेस कर रहा है, क्या प्रोसेसिंग सिस्टम है उसका, ये सारे आपके एफिशिएंसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आता है इसके, वी कम टू द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, पहला बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग, एंड फिर उसके बाद आएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो धीरे धीरे उसके आज मैं जो आपको बता रही हूँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी, फिर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया इसके गोल्स। अब है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्रुप ऑफ बैचेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ बैचेस। जैसे पहले चलता था आपका यूनिप्रोसेसर, तो उसमें क्या होता था, पहले एक मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो बहुत सारे जॉब उसको मिलते थे, फिर उसको वो क्या करता था, बैच में आपके कन्वर्ट कर देता था, फिर एक एक करके आपके बैच एक्सिक्यूट होते थे। ठीक है, जैसे हम मान के चले ये हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसको बहुत सारे बैचेस मिल रहे हैं, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री। हो सकता है ये जॉब वन कोबल में लिखा हो, ये फोर्ट्रॉन में लिखा हो। ठीक है, तो इसको सारे बहुत सारे जॉब्स इसको मिल गए हैं, फिर ये क्या करेगा, इनको बैचेस में फॉर्म कर देगा, फॉर्म बैचेस। ठीक है, ये एक एक करके बैच आपके एग्जीक्यूट। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ और इंट्रोडक्शन दिया है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स, जैसे आपके ना मल्टी मतलब मेनी, मैंने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम आपके एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी मेमोरी टुकड़ों में बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए फिर हम क्या पढ़ेंगे, पेजिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सब हम इसमें आगे धीरे धीरे जाके पढ़ेंगे, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, इसको हैंडल करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, पेजिंग। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कॉन्सेप्ट आता है इसमें, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मैनी इंटू वन, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके आ जाते हैं, लेकिन उसमें एक कोई प्रोग्राम सिलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, कहलाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। आजकल मल्टी प्रोग्रामिंग वाला आपने सुना होगा, कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम IBM OS2, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप स्क्रीन। और तीसरा टाइप क्या बता रही हूं मैं आपको, मल्टीटास्किंग। मल्टी
टास्क की ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है मैम। यह क्या है इसका, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगी। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद आपका चौथा क्या आता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, इसमें बहुत सारे सीपीयू यूज होने वाले हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर इसमें यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके भी टाइप है आपके दो, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, इसमें जैसे आपका सैटेलाइट है, मिसाइल है ना, मिसाइल में क्या होगा, सब आपका जो भी आपका हो रहा है कोई नैनो सेकंड में भी नहीं छूटना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज में। तो वो आपके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, मिसाइल, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम में क्या आ जाएगा, जैसे बैंकिंग में होता है, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करने के लिए गए, कोई भी चीज के लिए आप बैंक गए या पोस्ट ऑफिस गए, तो वहां आपका सर्वर फेल हो गया, कुछ हो गया, फिर धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रही है, वो आपके कहलाते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आज इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होना होता है, कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। सेकेंडरी क्या होता है, एफिशिएंसी के हिसाब से होता है। इसके अलावा हमने टाइप्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, इसका मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको कि कितने टाइप्स होते हैं। पहला आपको बताया मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा आपको बताया मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा मैंने आपको बताया मल्टी टास्किंग, चौथा मैंने क्या आपको बताया मल्टी प्रोसेसिंग, और पांचवा क्या बताया है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।